मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एमपी के विधानसभा का सत्र असमय समाप्त किया गया, जिससे पता चलता है कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं करती। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बजट को लेकर सरकार का घेराव किया है। उन्होंने कहा कि मोहन सरकार ने सबसे छोटा बजट सत्र चलाया। सरकार चाहती थी विभागवार चर्चा ना हो। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश की आत्मा गांव में बसती है और उसकी खुशियां खेतों में लहलाती हैं। मगर मोहन सरकार ने अपने बजट में प्रदेश के ग्रामीण विकास के साथ विश्वासघात और किसानों के साथ कुठारघात किया है। जीतू पटवारी ने तंज कसते हुए कहा कि हेडिंग बनी कर्ज से कर्ज चुकाने वाली सरकार, कर्ज लेकर घटिया प्रबंधन किया जिसके कारण वित्त मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। 20 साल में सबसे छोटा बजट सत्र, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि बजट के विभागवार चर्चा ही नहीं हो और जो घपले और करप्शन इस सरकार ने किए हैं उसका सच्चाई जनता तक ना आए। मुझे खुशी है हमारे विधायकों ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष की के नेतृत्व में जिस तरीके से नर्सिंग घोटाला उठाया, जिस तरीके से नल जल योजना का घोटाला उठाया, जिस तरीके से बजट में की चर्चा में इस सरकार की कलाई खुली और एक एग्रेसिव रुख अपनाया, वो अपने आप में इस सरकार के असली चेहरे को बताता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।